मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं एसपीएन नाइन न्यूज। मैं आपको बता दूं कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में और सपा परिवार में यानी कि समाजवादी पार्टी में कुछ सही नहीं चल रहा है। आए दिन देखने को मिलता है कि शिवपाल यादव ने जब से 29 तारीख को जिस दिन से उन्होंने अपने अलग पार्टी यानी कि समाजवादी सेकुलर मोर्चा का ऐलान किया, तब से लेकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सामने आ रही है। मैं आपको बता दूं कि शिवपाल यादव को बहुत बार मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो आखिर किसी के बहकावे में तो नहीं आ गए हैं, किसी के कहने पर तो नहीं आ गए, लेकिन शिवपाल यादव लगातार यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने मुझे सड़कों पर घुमाया है, जिस तरीके से मेरी उपेक्षा की गई है, मैं अब वो उपेक्षा नहीं सहन कर सकता और मैं अब समाजवादी पार्टी में नहीं जाऊंगा, ये भी उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार के लोग लगातार शिवपाल यादव को मनाने में लगे हुए हैं। बात सिंपल सी है कि अगर किसी व्यक्ति को, किसी पारिवारिक व्यक्ति को आप अगर पार्टी में तवज्जो देते हैं, पार्टी में जिस तरीके से आपने उसे एक मुकाम दिया है, एक पद दिया है, अगर इसके बाद में जहाँ तक मैं बता दूं कि मुलायम सिंह यादव जब तक पार्टी के अध्यक्ष रहे तब तक शिवपाल यादव को खूब तवज्जो मिली, लेकिन जब से अखिलेश यादव की हाथों में डोर कमान थामी गई है, तब से लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि अखिलेश यादव ने बिल्कुल शिवपाल यादव को तवज्जो नहीं दी है और इसीलिए वो कहीं ना कहीं गुस्सा में है। अब दिल्ली से शिवपाल यादव सैफई गए, वहाँ पता चल रहा था कि बताया जा रहा था कि शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव की बैठक होगी, वहाँ कुछ चर्चा ऐसी हो सकती हैं जिससे मुलायम सिंह यादव फिर से सपा में ला सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों पर तब पर्दा डल गया जब शिवपाल यादव ने खुद अपने मुँह से ये बोला कि वो समाजवादी पार्टी में नहीं जाएंगे किसी भी हालत में। लेकिन अब चर्चा, अब सामने ये खबर आ रही है कि मुलायम सिंह यादव के लखनऊ आवास में फिर से एक बैठक होने वाली, जिसमें आजम खान और कई जो उनके परिवार के लोग हैं, कोई अबू आजमी का आने का कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। क्या सच में, क्या ये, अगर इस तरीके से अगर आप दूसरे पक्ष पर जाते हैं तो शिवपाल यादव की पार्टी में क्या मुलायम सिंह यादव शामिल तो नहीं हो जाएंगे? ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं लगातार और इस चीज़ पर कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव और यानी कि राजनीतिक जो जानकार हैं वो यही लगातार कह रहे हैं कि इसमें कुछ ना कुछ दाल में काला है। अगर ज़रूरी नहीं है कि मुलायम सिंह यादव, क्योंकि मुलायम सिंह यादव को भी बहुत बुरी तरीके से सपा ने एक कहते हैं कि एक हाशिए पर रखा हुआ है लगातार। वो मुलायम सिंह यादव कहते हैं कि मुझे समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव ने जिस तरीके से समाजवादी सेकुलर मोर्चा का उन्होंने जिस तरीके से ऐलान किया है, हो सकता है कि मुलायम सिंह यादव खुद उस पार्टी में शामिल होकर के कुछ अलग तरीके की राजनीति लेकर आए। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस है और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को खुलेआम नहीं कह सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन राजनीति तौर पर अंदाज़ा लगाया जा रहा कि हो सकता है कि इस पक्ष में एक पहलू ये भी हो सकता है। तो ऐसे में मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की जिस तरीके से दूरियां बढ़ी हैं, शिवपाल यादव की बढ़ी हैं, आजम खान ने भी शिवपाल यादव को मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं मान रहे, लेकिन अब जो मुलायम सिंह यादव के आवास पर जो बैठक होने वाली है, उस बैठक से यही समझ में आ रहा है कि अब मुलायम सिंह यादव हो सकता है कि शिवपाल यादव से कहने वाले हों कि अब मैं भी आपकी पार्टी में आ रहा हूँ, अब हम दोनों यानी कि दोनों भाई मिलकर के इस समर में उतरेंगे, राजनीतिक समर में। क्या अगर ऐसा होता है तो अखिलेश यादव को भी बहुत ख़राब लगेगा और ख़राब लगना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने चाचा और पिताजी को अपने फांसी पर रखा है, क्योंकि उन्हीं की बनाई हुई पार्टी को आप सींच रहे हो, उन्होंने ज़िंदगी भर उस पार्टी को सींचा और अब आप सींच रहे हो। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सही नहीं है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव की जोड़ी क्या कुछ रंग लाएगी या फिर नहीं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।